सबसे पहले आपको बताएं कि नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को नैब ने तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब को गैर कानूनी तौर पर शराब लाइसेंस का इजरा करने पर तलब किया है। एक बड़ी खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को नैब ने तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब को गैर कानूनी तौर पर शराब लाइसेंस का इजरा करने पर तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त नैब ने तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब को गैर कानूनी तौर पर शराब लाइसेंस का इजरा करने पर तलब किया गया। जबकि दूसरी जानब पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ अताउल खोकर की जेरे निगरानी बहावल नगर में वाकई अचार यूनिट पर छापा। नाकिस अज्जा से तैयार करदा 75,000 किलो अचार बरामद। टेस्टी फूड अचार हाउस और यूनिट फफूंदी लगे अज्जा के इस्तेमाल। छिपकलियों की मौजूदगी पर सर्बे मोहर। मुमताज फूड प्रोडक्ट खुले एरिया पर स्टोर किए गए अचार का कॉकरोच पाए जाने पर सील। शहरियों के दाखिली और खारिजी रास्तों पर दूध की चेकिंग। 3,570 लीटर मुजरे से है दूध तल्फ। अल्लाह वाले अटक होटल किचन में छिपकलियों की मौजूदगी। मक्खियों के बहताव पर सर्बे मोहर। अलमदीना होटल सब्जियों में छिपकली पाए जाने। साफ पानी की सहूलत न होने पर सील किया गया। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब का बड़ा इकदाम। फातिमा जिना हाउसिंग स्कीम में करोड़ों रुपए मालियत की गैरकानूनी अदायगियों और सियासतदानों की जमीनें छोड़ने के इल्जाम में मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ ड्रॉप होने वाली तमाम इंक्वायरीज खोलने के अहकाम जारी कर दिए गए। एंटी करप्शन ने मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान को तलब कर लिया है। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब का बड़ा इकदाम सामने आया है। आगे बढ़े और आपको बताएं मियांवाली मुहर्रमुल हराम के मजालिस और जुलूस में कोरोना एसओपीज पर अमल करना लाजमी होगा। जुलूस और मजालिस में बच्चों और बुजुर्गों की शिरकत पर पाबंदी होगी। बात करेंगे इस हवाले से नुमाइंदा रोही, हमारे साथ अख्तर मजाज मौजूद हैं। अख्तर बताएगा जी। बिल्कुल, आज अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है जिसमें तमाम मकातब फिक्र के जो उलमाए कराम हैं और जो दीगर अमन कमेटी के मेम्बरान हैं उसमें शरीक हुए हैं। उसमें तमाम मकातब फिक्र की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के सामने कुछ तजावीज़ भी रखी गई हैं और उसके अलावा इंतजामिया की जानिब से एक कोरोना एसओपीज के हवाले से भी एक जो है मरासला जारी किया गया है जिसको फॉलो करना इंतहा ज़रूरी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी साहब, आपसे जानते हैं सर, ये एसओपीज पर अमल दरामद जो कराना है वो पुलिस का काम है, बच्चों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, दीगर चीजें जो हैं सर, आप क्या समझते हैं और वो प्रॉपर एसओपीज होंगे क्या सर? अक्सर आज हमारी अमन कमेटी की मीटिंग हुई और बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव मीटिंग थी। हमारी अमन कमेटी माशाल्लाह बड़ी इफेक्टिव है और जिले में अमन कायम करने में इनका बड़ा मुस्बत और कुलीदी किरदार है। तो आज हमने उनके साथ एसओपी डिस्कस किए, उसमें हमारे कमेटी के मेंबरान ने इस चीज़ का बिल्कुल इजहार किया कि जी के जो गवर्नमेंट की तरफ से एसओपीज हैं उनको हम इंशाल्लाह उसको फॉलो भी करेंगे। जहां तक बात है इम्प्लीमेंटेशन की, जैसा आपने बताया कि उसमें जो जो एसओपीज हैं ख़ासतौर पर जो मास्क का है पहनना, समाजी फासला और फिर इसके अलावा जो बच्चे और बूढ़ों का उसमें दाखिले उसमें शिरकत ना करना, हम इंशाल्लाह उसकी कोशिश करेंगे कि इसको हम पूरी तरह इम्प्लीमेंट भी करें। अमन कमेटी के तावन से जुलूस और मजालिस के मुंतजमीन के तावन से हम इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। बिहाड़ी में असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का अहवाल बताएंगे हाफिज साले मोहम्मद। जी बिल्कुल, आज असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच के दफ्तर में पीस कमेटी का इजलास हुआ। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जायजा इजलास की जो है वो आज तमाम लोगों को यहाँ पे मधु किया गया और उनसे राय ली गई कि किस तरीके से मुहर्रमुल हराम को अमन अमान तरीके से गुजारा जा सकता है। इस वक्त डीएसपी सदर खालिद जोगी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आज के इजलास में किन बातों को सामने रखा गया, किस तरीके से मुहर्रमुल हराम का महीना गुजारा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीटिंग में तमाम मकतबाए फिक्र के जो नुमाइंदे थे उन्हें और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने बुला के जो मुहर्रमुल हराम के आमदा जुलूस और मजालिस के इवेंट्स हैं उनको डिस्कस किया गया। उसमें जिन मामलात में हमें इंटरवीन करने की ज़रूरत थी वो तफसील के साथ डिस्कस हुए हैं और उसमें हमने एक लाया अमल मुरतब किया है।
उसमें हम ये करेंगे कि इसकी फॉलो अप मीटिंग्स भी रखेंगे, इसमें सिक्योरिटी के तमाम मामलात और इंतजामात के मुतल्लिक जितने भी सूरत हालात हमें फेस करने पड़ते हैं तमाम पे तफसीली गुफ्तगू हुई है और फॉलो अप मीटिंग्स में हम उन पे प्रोग्रेस लेंगे इंशाल्लाह। और मुहर्रम के जुलूस और मजालिस शुरू होने से कम अज़ कम एक हफ्ता पहले तक हम तमाम मामलात को मुकम्मल करके और सूरत हाल को इंशाल्लाह अंडर कंट्रोल रखेंगे। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम से एक हफ्ता कबल जो है वो तमाम मामलात को मुकम्मल कर लिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज इजलास आपने उसकी सदारत की है और आपने तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम मकातब फिक्र के उलमा इकराम को भी मदऊ किया है, किस तरीके से आप मुहर्रमुल हराम का महीना जो है वो गुजारने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम का जो आशूरा है उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जुलूस और मजालिस होती हैं। इसको पुरअमन और अच्छे तरीके से गुजारने के लिए हमेशा ये हम पहले ही प्रिलिमिनरी मीटिंग्स करते हैं जिसमें सिक्योरिटी के साथ साथ कुछ रिपेयर वर्क होता है, उसमें बाकी तमाम उलमाए कराम को बहमल जो हमारे बैनुल मसालिक हैं, बैनुल मज़ाहिब हैं, उनको यहाँ मदू करके उनसे हम इस बात पे एक दफ़ा इफ़ाए अहद करते हैं कि इंशाल्लाह पिछले कई सालों की तरह जैसे हमारे विहाड़ी की रिवायत है हम उस रिवायत को बरकरार रखेंगे। अमन के लिए हम खुद जुलूस के साथ चलेंगे, सिक्योरिटी को हम खुद इंशाल्लाह उसको हम इंश्योर करवाएंगे और बाकी जो मजालिस और जुलूस के लिए हमें लाइटिंग्स रूट्स पे दरकार हैं उनका इंतमाम करेंगे, रोड्स की रिपेयर वर्क करवाएंगे और जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जैसे वापडा और टेलीफोन एक्सचेंज से हमारे पास यहाँ पे वो आए रिप्रेजेंटेटिव्स आए, उनके जिम्मे भी ड्यूटियाँ लगाई गई कि वो तारों को वहाँ से रिप्लेस करने का, उनकी सेटलमेंट का इंतज़ाम करेंगे ताकि वहाँ से जुलूस जो है वो अच्छे तरीके से बगैर किसी परेशानी के गुजर सकें। जी बिल्कुल जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज आले मोहम्मद, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं बहावलपुर में एक्साइज की जानब से टैक्स छूट पर डिफॉल्टर गाड़ियां भी टैक्स अदा करने लगी। एक्साइज ने एक माह के दौरान 6,812 गाड़ियों से टैक्स वसूल करके रिपेट भी दे दिया है। महकमा एक्साइज ने रीजन भर से 1,41,149 रुपए टैक्स इकट्ठा किया, जबकि टैक्स अदा करने वाली गाड़ियों में 10 साल पुराने डिफॉल्टर गाड़ियां भी शामिल है। बात करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से, तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से कोरोना के बाद गाड़ियों की रिकवरी को बेहतर करने के लिए एक ऑफर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जिसके तहत वो तमाम गाड़ियां जो कि डिफॉल्टर हैं अपना टैक्स अदा करें और उनके ऊपर 20% तक रिबेट हासिल कर सकें, लेकिन ये रिबेट हासिल होगा उनको उस वक्त जब वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अपना टैक्स जो है वो अदा करेंगे। इस वाले से अगर हम बात करते हैं भावलपुर की, तो भावलपुर में कुल 6,812 जो लग्जरी गाड़ियां हैं जिन्होंने अपना शॉर्ट टोकन टैक्स जो है वो अदा किया है और इसमें खास तौर पर वो गाड़ियां भी शामिल हैं जो कि 10-10 साल से डिफॉल्टर थी और बकायदा तौर पे अब उन्होंने अपना जो टैक्स है वो अदा कर दिया। जिसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्साइज भावलपुर की, तो एक्साइज भावलपुर को 1,55,41,189 रुपये का टैक्स जो है वो इकट्ठा हुआ है, जबकि इसके साथ बात करते हैं रहीमयार खां सर्कल की, तो रहीमयार खां में 1,587 गाड़ियों के ऊपर महकमा एक्साइज को 35,53,000 रुपये का टैक्स जो है वो इकट्ठा हो सका है, जबकि इसके साथ ही भावलपुर में 3,378 गाड़ियों के ऊपर 79 लाख रुपये का जो इससे ज्यादा का जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा हो सका है। अगर हम बात करते हैं भावल नगर की, तो भावल नगर में बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया इस हवाले से।